शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। इससे पहले वाले क्लास में हमने आपको कविता की 8 पंक्तियों को बताए थे, उसका विश्लेषण किया था हमने, उसका व्याख्या बताया था। आज चलिए हम फिर से आगे की 8 पंक्तियों को देखेंगे। तो पहला पंक्ति, कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है। और एक बार, कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है, माने ही क्या तुमको मीठी बोली या सिखलाई है। तो कवित्री कोयल से अभी दूसरा सवाल पूछती है, तुम जो इतना सुंदर गाती हो, तुम्हारा जितने इतना मीठा आवाज है, तो वो कहती है क्या यह मिठास, यह मीठापन, यह मधुरता क्या तूने अपनी माँ से सीखी है। देखिए बेटे, जब भी हम किसी छोटे बच्चे को देखते हैं, उनका बोलना करना या कुछ भी, तो हमेशा हमारे मन में विचार उठता है कि इनका जो व्यवहार है, इनका जो भी चीज़ हम देखते हैं, बच्चे का हाव भाव करना, ये सब हम सोचते हैं इसके फैमिली से इन्हें मिला है, अपने माँ या पिताजी से या भाई बहनों से सीखे हैं। और सबसे पहली बात है, एक छोटा बच्चा सबसे पहले अपनी माँ से सीखते हैं, चाहे वो कुछ काम करना, अगर माँ को देखेंगे कुछ काम कर रहे चूल्हा के पास, तो एग्जैक्ट बच्चा उसी तरह करना चाहता है। अगर वो अपने पिताजी को कुछ करने देखते तो वो भी वैसा करना चाहते हैं। उनके परिवार के जो व्यवहार है वो सब छवि बच्चों में उतर आती है। इसको देखिए, यहाँ कहा गया, कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है, माने ही क्या तुमको मीठी बोली या सिखलाई है। देखिए बेटे, यहाँ कहा गया है, आप चलिए हम देखते हैं एक मुर्गी के छोटे चूजों को, छोटे छोटे बच्चों को, कैसे मुर्गी अपने बच्चों को दाना खाने सिखाती है, कैसे वो अपने पैरों से मीठी हटाकर कुछ खाने की चीज़ें ढूंढते हैं, कैसे आप देखिएगा पक्षियां अपने बच्चों को, छोटे चिड़ियों को, वो एक डाल से दूसरे डाल पर उड़ना सिखाती है, वो आगे आगे उड़ती है, बच्चे का पर वो बच्चे का देखभाल करती रहती हैं। तो हर एक चीज़ बच्चा अपनी माँ से सीखता है। इसलिए यहाँ उन्होंने कहा है, तुमने ये जो तुम्हारी जो ये मीठी बोली है, तुम्हारे बोली में जो मिठास है, जो प्यार भरा है बोली है तुम्हारा, क्या यह तुम अपनी माँ से पाई हो, क्या मम्मी ने तुम्हें सिखाया कि मम्मी भी ऐसा ही बोलती थी। ठीक है, माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली या सिखलाया, क्या इतने सुंदर गाना, एक प्यारे रूप की जो बोली है, जो गाने हैं, क्या तुमने ये सब अपनी माँ से सीखा है। इसलिए कवित्री इन सब उनकी आवाज़ को सुनकर वो अनेक प्रश्न पूछती है, उनके मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कोयल से पूछने के लिए, कोयल के बारे, तो वो उनसे यह प्रश्न पूछती है, अपने विचार व्यक्त करती हैं। ठीक है, चलिए आगे की पंक्तियाँ, डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है, सबसे मीठे मीठे बोलो यह भी तुम्हें बताया है। एक डाल से दूसरे डाल पर जो तुम उड़ के यहाँ बैठती हो, उड़ के वहाँ जाती हो, इस अनेक डालों पर बैठ के जो प्यार से गाती हो और बच्चे तुम्हारे आवाज़ को पसंद करते हैं, क्या एक डाल से दूसरे डाल पर उड़ना गाना ये तुम्हारी माँ ने सिखाया है, कहा गया है। और सबसे मीठे बोलो, अपनी मधुर आवाज़ से दूसरों को खुश करो, क्या यह भी तुम्हारी माँ ने सिखाया है। आप वही देखिए, कौवे की आवाज़ में एक काँव काँव, कोई मिठास नहीं है, कर्कशता है हमने कहा, लेकिन जब हम इस पक्षी की आवाज़ सुनते हैं तो हमें खुशी होती है, इनको सब प्यार करते हैं क्योंकि इसके मधुर वाणी के द्वारा। यहाँ भी देखिए बेटे, हमारा हम जो भी करते हैं, हमारे माँ बाप प्रायः हमें अच्छे चीज़ों को सिखाते, अच्छे गुण देते हैं, हाँ बेटा आप ये करो, ऐसे करिए, वैसे करिए, तो सब सारे जो अच्छायाँ हैं वो सभी हमारे माता पिता हमें देते हैं, कैसे दूसरों से व्यवहार करना है, क्या करना है। देखिए कुछ भी होता है तुरंत हम लोग, शिक्षक भी बोलते सॉरी बोलो, थैंक यू बोलो, ठीक है सॉरी बोलो, थैंक यू बोलो, या कुछ भी है तो मुस्कुरा कर जवाब दो, हिम्मत रखो, डरो नहीं, ये सब बातें सब हमारे सबसे पहले हमारी माताएँ हमें सिखाती है, उसके बाद हमारे परिवार के सदस्य, फिर शिक्षकगण, उसके बाद हम जिस भी माहौल में रहते हैं, हो सकता है शिक्षक से पहले हमारा वातावरण। लेकिन यहाँ कोयल की इस कविता से कवित्री हमें भी संदेश देना चाहती है,
हमारी बोली में भी मिठास होनी चाहिए, मधुरता होनी चाहिए। जैसे मैंने उस दिन आपको कहा, मान लीजिए बोलेंगे राम इधर आ, ये आवाज़ सुनकर राम डर जाएगा, बच्चा डर जाएगा, मैं मुझे क्यों बुला रही। अगर इसे ही अगर मैं बोलूँ राम बेटा थोड़ा इधर आना, तो हमने बस हमारे टोन को चेंज किया, हमारे आवाज़ को बोलने की जो बोलने का जो तरीका था उसे चेंज किया, उसमें बहुत सारा फर्क दिखता है। इसलिए कवित्री हमें इन पंक्तियों में सिखाना चाहती है कि हमें जो भी अच्छाइयाँ हैं, हमें जो भी गुण हैं, वो सब हम अपनी माता से पाते हैं। ना ही सिर्फ माता, हमारे पिता भी उतने ही सहयोगी हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा डाल डाल पर उड़ना गाना, आपको कैसा व्यवहार करना है, कैसे कपड़े पहनना है, कैसे रहना है, कैसे स्टडी करना है, बड़ों को कैसे प्रणाम करना है, कैसे ग्रीट करना है, कैसे अपनी गलतियों के लिए सॉरी मांगना है, माफ़ी मांगना है, ये सब चीज़ हमारे परिवार से, हमारे माता पिता, इसके अलावा भाई बहन भी सिखाते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने आज आपको आठ पंक्तियों की व्याख्या की है, आपको समझा दिए। अगले पाठ में हम आपको अंतिम की चार पंक्तियाँ बताएंगे, ठीक है। धन्यवाद।